वेलकम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पालक गोश्त। और इसके लिए हमें चाहिए 2 किलो गोश्त, 3 किलो पालक, प्याज, हंसते जाकर नमक मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा खड़ा मसाला और टमाटर प्यूरी। और इसको बनाने का तरीका कुछ यूँ है। और एक कप प्याजी, एक प्याजी ऑयल, प्याज, जैसे ही प्याज थोड़ा ब्राउन होगा हम इसके अंदर साथ ही गोश्त ऐड कर देंगे। प्याज में भी बबल आने शुरू हो गए हैं, बस 3 से 4 मिनट और लेंगे इसको लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हम चिकन और गोश्त बना रहे हैं, इस तरह सारा गोश्त है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में इसमें ऐड कर देंगे अपना चिकन। जैसे थोड़ा लाइट ब्राउन होता है हम इसमें पालक डाल देंगे। अब हमने इसमें चिकन ऐड किया, अब इसके अंदर हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। बस ज़्यादा कोशिश किया करें कि इसके अंदर मसाले कम जाए, और हमने इसको इसलिए फ्राई करना है ताकि इस गोश्त की सारी स्मेल खत्म हो जाए। हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, बस इसको 2 से 3 मिनट और लगेंगे, और हम इसमें पालक की प्यूरी डाल देंगे, टमाटर की, इसमें जाएंगे 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच मिर्ची और 1/2 टीस्पून हल्दी का। और अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर प्यूरी, अब हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भुनेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गोश्त हमारा भुन चुका है, उसने ऑयल छोड़ दिया, उसकी स्मेल भी खत्म हो चुकी है और मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम इसमें अपने आलू ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर भी मसाला अच्छी तरह से रख सके। और फिर हम तेज़ आंच पे पालक डालेंगे ताकि पालक जो अपना पानी खुश करे। अब हम इसमें पालक ऐड कर देंगे, और एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि इसको हमने तेज़ आंच पे भूनना है, नहीं तो ये अपना पानी रिलीज करती है। ये हाथ से कुटी हुई पालक है, और पालक को हमेशा हाथ से कूट के फिर डालें, उसका टेस्ट ही अपना है। मसाला हमारा भून चुका था, तो हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब देखें, अब अपना ये ऑयल रिलीज कर रहे हैं, अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम पर रखेंगे ताकि अगर किसी चीज़ में कसर रह गई या वो निकल जाए। और व्यूवर्स एक बात बताना भूलगी कि मैंने आलू भी बॉयल डाले थे। अब देखिए इसमें छोड़ दिया है, अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। अब 2 से 3 मिनट तक हम वेट करेंगे। अब देखें हमारी डिश रेडी है, और हम इसे डिश आउट करेंगे।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि बॉयल्ड पालक बॉयल्ड आलू डालने से हमारी रेसिपी कितनी झटपट और जल्दी बन गई है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। और ये रही हमारी मज़ेदार सी आलू पालक गोश्त की रेसिपी, और इसको बनाना बहुत ही आसान था। व्यूअर्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह मिलेंगे अगली रेसिपी तक।